निकलना हो तो आपके पास एक ऑप्शन है। क्या आपके पास है कोई मजबूत चीज, क्या कोई मजबूत सहारा है आपके पास ऐसा जिससे आप रस्सी डाल करके अपने आप को बाहर खींच सकते हैं? क्या कोई ऐसी एसेट है आपके पास जिसकी अभी आपको जरूरत नहीं है? कोई ऐसी संपत्ति है, कोई ऐसी चीज है जिसकी अभी इमीडिएटली जरूरत नहीं है? कोई गोल्ड हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जो फ्यूचर प्लान के लिए ली गई हो, लेकिन आज कर्जे की टेंशन की वजह से आप आगे ना बढ़ पा रहे हो। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा घर जिसके बिना आपका काम चल सकता हो, कोई ऐसी चीज जो आपके पास पड़ी हो और जिसका आज इस्तेमाल ना हो रहा हो और जिसकी आपको फ्यूचर में जरूरत हो, शायद ये सोचकर ले ली गई हो। कई बार क्या होता है, कर्जा बेड़ियों की तरह होता है, ये हमारी स्पीड को स्लो कर देता है और हम अपने पैरों में खुद बेड़ियां बांध लेते हैं और फिर हम कहते हैं हमने भविष्य की तैयारी कर ली नहीं। अच्छी बात है भविष्य देखना, मैं भी कहता हूं आपको आंखें खोलकर जागते हुए सपने देखो, अपना भविष्य देखो, लेकिन जमीन पर रह करके सपने देखो। जमीन मजबूत होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं, हम प्लानिंग फ्यूचर की कर रहे हैं और फिर फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, हाँ 5 साल बाद इस जगह का इस्तेमाल करेंगे, 2 साल बाद इसका इस्तेमाल करेंगे, 3 साल बाद इसका करेंगे और तब हो सकता है जब हमें जरूरत हो ये जगह ना मिले तो। ऐसा कभी नहीं होता, ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम होता है कि जब हमें जरूरत होगी तो चीजें नहीं मिलेंगी। नहीं, हो सकता थोड़ी महंगी मिल जाए लेकिन मिल जाएंगी। आज अगर आपके पास कोई ऐसी एसेट, कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसी चीज गोल्ड हो सकता है आपके पास, जिसको आपको लगता है सिर्फ दिखाने की जरूरत है, दिखाने के लिए हमने ले लिया है क्योंकि हम सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं, शादियों में जाते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, इसकी हमें एक्चुअल जरूरत नहीं है। उसमें से जो जरूरत का उसको छोड़ करके बाकी निकाला जा सकता है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको लगता है कि कहीं दूर ले ली गई थी, ये सोच कर ली गई थी कल प्लानिंग करेंगे, आज उसकी जरूरत नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं है, आपकी जिंदगी उसके जाने के बाद रुकने वाली नहीं है और कर्जे से आप एक झटके में बाहर निकल सकते हैं तो निकल जाइए। यह मजबूत चीज है, मजबूत चीज का सहारा, लिख लो, सवाल लिख लो, ये मजबूत चीज है, मजबूत चीज का सहारा लो और सहारा लेकर के अपने आप को बाहर निकाल लो इससे। अगर एक झटके में ही बाहर निकल गए तो दोबारा उससे जल्दी तुम फिर से कमा लोगे उस चीज को। हाँ मैं, सही बात है, इमोशंस जुड़े होते हैं गोल्ड के साथ, जमीन के साथ, चीजों के साथ हैं। मैंने तो गांव में जमीन ली हुई है और गांव में सबको बता रखा है मैं जमींदार आदमी बन गया हूं, इतना बड़ा आदमी हूं, आज शहर में मेरी हालत खराब है, मैं जाकर कैसे कहूं कि मैं गांव की जमीन बेच दूंगा? नहीं कह सकता, मुझे मालूम है नहीं कह सकता, लेकिन जब दुनिया को पता चल जाएगा कि हालत खराब है तब तो पता चल ही जाएगा। तो इससे बेहतर है कि दुनिया को पता चले आप खुद कुछ अपनी चीजें ठीक कर लो। और आज आपके पास 50 कारण होंगे कहने के मैं क्यों देना चाहता हूं, लेकिन जब दुनिया को पता चल जाएगा कि आपकी हालत खराब है तब कोई आप पर दाव खेलेगा भी नहीं। मजबूत चीज देखो, कौन सी मजबूत चीज है जिसका सहारा ले सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। अगर कोई